खुद को लेजेंड समझते हो? पबजी वाले तुम्हारे पैरों की खाक है क्या? फ्री फायर मोबाइल में पहले लॉन्च हुआ तो तुम प्रो बन गए। माना कि पबजी गेम अच्छा है, कि माना कि पबजी गेम अच्छा है, एक बार फ्री फायर वाले इसको और से मिलकर देखो, फ्री फायर ही सबका बाप है। अरे हंसी आती है उन लोगों पे जो आज भी दिलों से खेलते हैं, कि हंसी आती है उन लोगों पे जो आज भी दिलों से खेलते हैं। और हमें क्या है, हम तो सिंगल हैं, सिर्फ पबजी खेलते हैं। लोग कहते हैं और कहते रहेंगे कि लोग कहते हैं और कहते रहेंगे हम तो आग हैं, फ्री फायर खेलते रहेंगे। पबजी चाइना की है, इसको बैन कर देना चाहिए। ये सब बोलने वालों रुको, जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। जागे ना, पहले ना गूगल पे सर्च कर लो, पबजी साउथ कोरिया की है। ये सब अफवाह ना फ्री फायर वाले फैला रहे हैं, सच्ची बता रहा हूँ। फ्री फायर वालों तुम्हारे लिए दो लाइंस कि बेटा हम पबजी वालों का एटीट्यूड और स्टाइल दोनों अलग है, अगर बराबरी करने लगोगे ना तो बिक जाओगे। तेरा बाप आया। जो बताते हैं खुद को प्रो प्लेयर वो असल में कायर हैं, कि जो बताते हैं खुद को प्रो प्लेयर वो असल में कायर हैं। और नूबड़ो हम लोग से पंगा मत लेना, क्योंकि तुम्हारा बाप फ्री फायर है। पबजी बैन होने पर फ्री फायर वाले चाचा बोल रहे आ जाओ फ्री फायर खेलते, बेटा वो कोई लड़की नहीं है, जो एक बार छोड़ के चली गई तो हम दूसरी पकड़ लेंगे, सच्चे दिल से चाहते इसलिए बेटा वो वापस आ गया। अरे ओए पबजी के पागल, फिर से किसी कुत्ते ने काट लिया क्या? जब पबजी अच्छा खासा चल रहा था तब तक हम फ्री फायर वालों का घंटा कुछ नहीं गल रहा था, लेकिन अब फ्री फायर अच्छा खासा चलने लगा तब पबजी वालों का जलने लगा। पहली फुर्सत में नहीं था।